मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली हार के बाद धोनी से पूछा गया कौन होगा आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान, तो धोनी का आया बड़ा बयान। जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर से आईपीएल 2022 में हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स मैच हारने के साथ साथ प्ले ऑफ की रेस से भी बाहर हो चुकी है। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें प्ले ऑफ में पहुंचने की बची थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स जैसे ही प्ले ऑफ की रेस से बाहर हुई है तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कौन करेगा। आपको बता दें, आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था, जहाँ पर 8 मैचों में से सिर्फ 2 ही मैच चेन्नई की टीम ने जीते थे। जडेजा ने खराब प्रदर्शन के बाद टीम की कप्तानी छोड़ दी। दोबारा महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया। आईपीएल 2023 में रविंद्र जडेजा दोबारा कप्तान नहीं बनेंगे। उनके और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। जब महेंद्र सिंह धोनी से यही सवाल पूछा गया तो धोनी ने कहा कि उनकी टीम के पास ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बेहतरीन खिलाड़ी है, जो न सिर्फ बतौर ओपनिंग बल्लेबाज बल्कि बतौर कप्तान भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। धोनी ने यह भी कहा कि ऑक्शन के दौरान हम एक ऐसे खिलाड़ी को खरीदना चाहेंगे जो बतौर कप्तान भी टीम के साथ जुड़ सके। हालांकि ज्यादा संभावना ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तान बनने की है। आपको क्या लगता है, कौन से खिलाड़ी को आईपीएल 2023 में कप्तान रहना चाहिए, धोनी को या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।